धर्म की तेरे पत्नियां जिनका नित्य नाम लेने से संतान आज्ञाकारिणी होती है, रोग समाप्त हो जाता है, घर में धर्म स्थिर हो जाता है, घर में धर्म बढ़ता है, अधर्म समाप्त हो जाता है, शांति बढ़ती है घर में, संतोष बढ़ता है घर में। कौन कौन सी पत्नियां हैं तो कहा है, द्वारा में बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत के चतुर्दश स्कंद का प्रथम अध्याय का 49वां श्लोक बहुत श्रेष्ठ है। भागवत का एक एक श्लोक मंत्र है। एक बात और मैं कहूं, कभी भी मन करे मंत्र का प्रभाव देखने का, मंत्र में शक्ति कितनी है तो क्या करना, गुरुदेव के पास में बैठ करके पहले उसे पढ़ना। बिना गुरुमुख किए हुए कोई भी मंत्र प्रभावशाली नहीं होता। मंत्र कितना शक्ति संपन्न क्यों ना हो, जब तक गुरुमुख नहीं होता है तब तक वह शक्ति संपन्न नहीं है। शक्ति संपन्न होने के बावजूद वह शक्तिहीन है। उस मंत्र की पूरी शक्ति चाहिए तो पहले गुरुमुख करिए। कोई भी पाठ आप करते हैं उसे गुरुमुख करो, गुरुदेव के द्वारा पहले पढ़ो, गुरुदेव के मुखारविंद से सुनो। देखो मंत्र जितने पुस्तकों में लिखे हैं वह मंत्र शक्ति संपन्न नहीं है, लेकिन जब वही गुरुदेव के मुखारविंद से निकलते हैं तो वह मंत्र चैतन्य हो जाते हैं, और चैतन्य मंत्र ही चरितार्थ होता है। बोलो राधे। उस मंत्र में ओम क्लिंग लगाइए पहले, भागवत के कोई भी मंत्र का पाठ करिए ओम क्लिंग, और क्लिंग लगा करके करिए तुलसी की माला से जाप, और फिर देखिए प्रभाव। लेकिन कितना जाप करें तो उसके लिए भी मैं बता दूं, जैसे दूध में घी है, दूध में घी है, अब आपको घी निकलना है और आपने लिया और दूध को सीधे मथने लगे तो क्या घी निकलेगा? नहीं। तो क्या करते हैं, पहले उसमें थोड़ा दही डाल करके जाम लगा देते हैं। अब वो दूध दही में परिणत हो गया। मंत्र दूध है, गुरु मुख के द्वारा उच्चारित हो गया तो जाम लग गया, वो दही के रूप में बदल गया, शक्ति संपन्न हो गया। और उसके बाद में जैसे दही को हम बिलोते हैं ना, मंथन करते हैं, और दही का मंथन करने से क्या होता है, एक संख्या समय तक मंथन करेंगे तो मक्खन निकल आएगा। ऐसे ही गुरु के मुख से जैसे ही हमने मंत्र ले लिया और उसका हमने सतत जप किया, जप करना मंथन है, जप करना मंथन है, और जब आपने किया उतनी संख्या तक पहुंचेगे तो अपने आप उसकी शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। बोलो राधे। तो फिर विचार आया, महाराज कौन से मंत्र की कितनी संख्या है? देखो गायत्री मंत्र के दर्शन करना है, गायत्री मंत्र की शक्ति का दर्शन करना है आपको, प्रत्यक्ष माता भगवती का दर्शन करना है आपको, तो क्या करो, माता गायत्री का जाप करो। कितना? 24 लाख। 24 लाख ही क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 शब्द है, 24 शब्द, 24 वर्ण। मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख जाप करने को पुरुषचरण कहते हैं, और पुरुषचरण परिपूर्ण हुआ तो माता गायत्री आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे। कल काल में जो लोग बोलते हैं कि मंत्र में शक्ति नहीं है, भैया अभी तो वैज्ञानिक लोग भी बड़ा रिसर्च कर रहे हैं मंत्रों पर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।